अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि आलू गाजर की सब्ज़ी कैसे तैयार की जाती है। उसके लिए मैं यहाँ पे 1 किलो गाजर यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और सर्कल साइज़ में कट कर लिया है बारीक बारीक। आधा किलो आलू, 1 प्याली पानी, 2 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी एंड 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 बड़े साइज़ का टमाटर और 8 अदद हरी मिर्च। प्रेशर में अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूंगी। गाजर फ्लेम मैंने इसके नीचे ऑन कर दी है। आलू, प्याज, स्पाइसेस, हरी मिर्च, टमाटर, दही। दही में इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ, गाजर थोड़ी मीठी होती है, दही से इसका मीठापन थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट और पानी, इन सब चीज़ों को गलाने के लिए पहले मैं इसमें इसको एक दफ़ा बॉईल कर लूँगी, फिर मैं इसका प्रेशर लगा दूँगी। इन सब चीज़ों को पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसे मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रख सकूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर दूंगी बॉयल होने तक, फिर हम इसका प्रेशर लगा देंगे। 10 मिनट का मैंने इसे प्रेशर लगाया था, फिर इसके नीचे मैंने फ्लेम बंद कर दी थी और सीटी इसकी उतार दी थी। ये देखें, इसके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से इसका पानी ड्राई कर लूँगी। हाई फ्लेम मैंने इसके नीचे ऑन कर दी है इसका पानी ड्राई करने के लिए। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करके इसे अच्छे से भून लेंगे। हाई फ्लेम पे मैंने इसका पानी खुश्क कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम भून लेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद 5 मिनट मैंने इसे भूना लगातार। अब ये बन के तैयार है। इसके नीचे मैंने फ्लेम बंद कर दी है और अब मैं इसके ऊपर कसूरी सूखी मेथी ऐड करूँगी थोड़ी सी खुशबू के लिए, और इसे फ़ौरन कवर करके रख दूँगी। आलू गाजर की सब्ज़ी बन के तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।